गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। संडे मॉर्निंग है और आज मैं बनाने वाली हूँ अपना हेल्दी मूसली बाउल, जो कि आपने पिक्चर मेरी देखी होगी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने लाइक किया था और रेसिपी की डिमांड थी, तो आज वापस मैं अपने लिए बाउल बना रही थी। सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ क्विक रेसिपी। इसमें मैंने लिया है मूसली लिया है, और ये केलॉग्स का मूसली है, साथ में मैंने ग्रीक योगर्ट मंगाया था। आप इसमें ग्रीक का नेचुरल योगर्ट भी ले सकते हैं। मैंने मैंगो फ्लेवर लिया था और फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के इसमें ले सकते हैं। साथ में है चिया सीड्स, और बस मैं अभी अपना जो फ्रूट्स है ना उन्हीं को मैं चॉप करना शुरू करूँगी। बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी ये बाउल बन के तैयार होता है। बेसिकली जो लोग वेट लॉस जर्नी में हैं और जो नहीं भी हैं, जिन लोगों को हेल्दी फूड इंजॉय करना है, तो वो इस बाउल को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। तो काफ़ी हेल्दी है और फिलर है, तो मैंने सोचा कि आज वापस बना रही थी, आप लोगों के साथ क्विक रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और आज के जो व्लॉग है उसमें आपको मल्टीपल मतलब हेयर एंड देयर की आपको क्लिप्स मिलेंगी, तो छोटी छोटी ऐसे मैंने सोचा कि चलो ऐड कर देती हूँ सबको। और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज़ कम ली हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरीज़ ना उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ना खट्टी होती है और मुझे जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना वो मैं कम पसंद करती हूँ खाना। इसमें मैंने थोड़ा नेचुरल योगर्ट लिया है, थोड़ा मैंने इसमें मैंगो योगर्ट लिया है, और यहाँ पे सौरव के लिए भी बाउल बना रही हूँ क्योंकि उनको भी ये खाना था। तो इसमें मैं अभी ऐड करूँगी चिया सीड्स, और चिया सीड्स अच्छे से ऐड करने हैं क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि फ़ाइबर होता है ना इनमें बहुत ज़्यादा और फिलर भी होते हैं। और इनको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है मूसली। तो मूसली आप अपने मतलब क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करिएगा आपको कितनी खानी है। तो मुझे क्रिस्पी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ यू नो, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ। और इसमें मैं ऐड करूँगी अपने सारे फ्रूट्स। तो यहाँ पर चीकू लिया है, बनाना लिया है, एप्पल लिया है, तो चीकू काफ़ी अच्छा था और इसके साथ परफेक्ट गया, तो चीकू आप ज़रूर ऐड करिएगा। और एप्पल मुझे मतलब ठीक ठीक पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हेल्दी है तो आज मैंने ऐड कर दिया, वरना मेरा एप्पल खाना होता नहीं है। और इसमें मैं ऐड करूँगी हनी। आप मतलब हनी हेल्दी ऑप्शन है ना, आप चाहें तो शुगर भी ऐड कर लीजिएगा, बट मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप हनी ऐड करिए। और इसमें ऊपर से मैं ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए कितना क्विक सा रेसिपी है और बहुत जल्दी बनके तैयार होता है, तो आप ज़रूर ज़रूर ये ट्राई करिएगा और रियली आपको बहुत पसंद आने वाला है। और ये है आज के डे का सेकंड बेस्ट पार्ट, गाजर का हलवा बन रहा है आज हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब दूध को कढ़ाने के लिए रख दिया है, और मतलब यहाँ पे जो हलवा मम्मी पापा मिलके बनाते हैं, तो बेसिकली तो मावा वगैरह भी सब घर में ही ऐसे ही बनाते हैं, और गाजर को ऐसे बॉईल करके फिर वो बनाते हैं, तो इजी हो जाता है और फिर पका लेते हैं। तो इसको मतलब गाजर को दूध के साथ मिक्स कर दिया था, तो ये अभी पकेगा घंटों, क्योंकि जितना ज़्यादा ये हलवा पकेगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। तो बेसिकली सर्दियों का ये बेस्ट पार्ट है और हमारे यहाँ का फर्स्ट हलवा है, और अभी तक तो ये ख़त्म भी हो गया बेसिकली आज ही ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पे इसमें ऐड की है मलाई, तो मैं क्विक रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसकी, जैसे जैसे मतलब मम्मी ने बनाया था ये, तो उसमें हमेशा वो मलाई ऐड करती हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब ऑलरेडी ऐड कर चुकी हैं, क्विक रेसिपी है इसलिए मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स वो हमेशा पीस के डालती हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि उनको मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना चबाने में। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें कंडेंस्ड मिल्क, और उसके बाद जितनी ज़रूरत लगेगी उसमें शुगर ऐड कर देंगे, और फिर इसको बहुत अच्छे से मतलब कढ़ाना है, पकाना है, तो जब तक इसका दूध पूरा ख़त्म ना जाए मतलब कढ़ ना जाए बेसिकली, तो तब तक इसको पकाना है। तो ये है क्विक सी रेसिपी हमारे यहाँ के गाजर के हलवे की, और ये 200 ग्राम का मिल्क मेड का पैकेट है जो हमने इस हलवे में ऐड किया था। और ये चीज़ ऐसी है कि गाजर का हलवा बनाने के लिए ना किसी ओकेशन का वेट नहीं है, किसी बड़े चीज़ का वेट नहीं है, सर्दियां हैं तो उससे बड़ा ओकेशन कुछ है नहीं। तो बेसिकली मतलब जैसे होता है ना कि आज इतना बड़ा दिन है मुंह मीठा कर लीजिए, आज ऐसा कोई भी दिन नहीं है, आज गाजर के हलवे का दिन है, तो इस खुशी में हम लोग मुँह मीठा करेंगे। और अभी हो गई है इवनिंग, तो यहाँ पे हम लोग निकले हैं 2-3 काम करने के लिए।
सबसे पहले अनवित के शूज़ लेने हैं क्योंकि उसके शूज़ ना काफ़ी ख़राब हो गए हैं। तो अभी यहाँ पे पास में ना घर के पास में बाटा का शोरूम है, हम लोग वहीं पे आए हैं, तो उसके लिए शूज़ पसंद करेंगे। पहन के देखो ये वाला फुट इन करो। शायद कोविड की वजह से उतना अच्छा कलेक्शन नहीं था, तो कुछ 3-4 पीस ही थे जिसमें से चूज़ करना था, और अनवित को यही वाले शूज़ पसंद आए, उसको यही वाले कलर चाहिए था, तो हम लोगों ने फिर यही लिया। उसको जो 3-4 शूज़ थे उसमें से दिखाया, उसने बोला कि नहीं उसको येलो वाला ही चाहिए, तो बेसिकली उसके लिए ये वाला शूज़ हम लोगों ने पसंद किया है और हैप्पी हो गया। न्यू आजकल चीज़ों का शौक़ लगा है, न्यू सब चीज़ें चाहिए, तो आजकल क्रिसमस शॉपिंग चल रही है, उसकी आने वाले व्लॉग्स में उसकी इन चीज़ें दिखाऊंगी, काफ़ी कुछ शॉपिंग चल रहा है उसका। तो बस ये शूज़ मुझे पसंद आया था, ये दिखाया उसको, बट उसको ये नहीं चाहिए था, उसने बोला कि मुझे वही वाला चाहिए। वेदर अच्छा था और हम लोग शूज़ लेने के बाद निकले थे कुल्हड़ वाली चाय पीने के लिए, कि पास में एक शॉप दिखा रहा था कि जहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय मिलेगी, तंदूरी चाय बेसिकली, तो वो शॉप तो मिली नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गए हम लोग। तो फाइनली फिर मैंने अपने लिए मास्क और ढेर सारी सॉक्स शॉपिंग किया, तो वो मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई। और अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं अनवित के स्पेक्स चेकिंग के लिए, कल उसका डॉक्टर अपॉइंटमेंट था, तो उसका जो स्पेक्स है ना, उसका जो नंबर है वो थोड़ा कम हुआ है, बेटर साइड हुआ है, तो इम्प्रूव। तो मैं पापा जी को बोल रही थी कि नंबर कम हुआ है, तो उन्होंने बोला कि इम्प्रूव बोलो, क्योंकि कम मतलब बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसीलिए इम्प्रूव साइड में कम हुआ है, ऐसा बोलूँगी मैं आपको। तो वही ग्लासेस बनने के लिए देने थे, उसी के लिए फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं, और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं ये, इनके पास ही हम लोग आते हैं, मम्मी का ट्रीटमेंट भी यहीं पर होता है। और फ्रेम अनवित के पास है UK वाला, बस यहाँ से हम लोगों को लेंस चेंज कराने हैं। ये पहन के देखो अनवित, ये देखना आपको ठीक लगता है कि फाइनली घूम घाम के हम लोग आ गए घर, और ये है हमारा गाजर का हलवा, देखिए कितना अच्छे से पक चुका है, ड्राई फ्रूट्स भी सब ऊपर आ गए हैं, तो मम्मी ऑलरेडी भगवान जी को भोग लगा चुकी हैं, और अभी हम लोग अपना गाजर का हलवा भी खाएंगे। आज बेसिकली प्लान था कि हम लोग बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे, तो मम्मी पापा बोले कि चलो ठीक है हम लोग घर पे कुछ खा लेंगे, तुम खा के आ जाना, लेकिन मेरा मन माना नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि फिर वो घर पे क्या खाएंगे ऐसा करके। तो फिर मैंने क्या किया, घर पे ना ये मिस्सी रोटी बनाई और सलाद वगैरह कट किया, और सौरभ ने बाहर जोमेटो से खाना ऑर्डर किया आज, तो अभी हम लोगों का वो बचा है कि हम लोगों ने अभी बाहर जाना शुरू नहीं किया, तो जाएंगे एक दिन। और बेसिकली आजकल सौरभ की छुट्टियाँ चल रही है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी सौरभ ने ऑफिस से ऑफ लिया हुआ है, तो हम लोग अपना बेसिकली ये वाला जो पूरा पीरियड है ना वो फुल इन्जॉय कर रहे हैं, फुल पार्टीज एंड ऑल। तो इसीलिए ये हैदराबाद हाउस से हम लोगों ने खाना मंगाया था, सब्ज़ी अच्छी थी, हम लोगों ने पनीर क्या मंगाया था, कढ़ाई पनीर मंगाया था, और मंगाया था कोल्हापुरी, वेज कोल्हापुरी, बहुत स्पाइसी होता है, लेकिन इनका काफ़ी अच्छा था। और साथ में मंगाई थी हम लोगों ने, सौरभ का नान खाने का मन था तो सौरभ ने नान मंगाई थी, लेकिन मुझे नान खानी नहीं थी क्योंकि बाहर के नान में मैदा होता है ना, इसलिए मैंने मिस्सी रोटी बनाई थी। और ये था हमारा बेसिकली संडे वाला दिन, जो कि हमने फुल इन्जॉय किया, फुल घूमा ऐसे बाहर, तो ऐसे मिक्स्ड क्लिप्स थी, तो मैंने सोचा कि ऐड कर देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी आज की छोटा छोटा डेज जो हमने किया। अभी नेक्स्ट डे हो गया है और अभी हम लोगों ने किया है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में खाया है डोसा,
और हम लोग निकले हैं सिंहगढ़ फोर्ट के लिए। अचानक से प्लान बना, सुबह सो के उठे तो सौरभ बोलने लगे कि सिंहगढ़ फोर्ट चलते हैं। मैंने कहा अचानक से, तो फिर बोलने लगे कि हाँ रैंडम प्लान ही तो अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। वैसे तो हम लोग जब पहले गए थे ना, बहुत पहले, तो अर्ली मॉर्निंग गए थे और 7-8 बजे पहुंच गए होंगे वहां पे और ब्रेकफास्ट वगैरह किया था। लेकिन आज हम लोगों को निकलने में ही 11 बज गए। इनफैक्ट मैं सौरभ से बोल रही थी कि काफ़ी मतलब वेदर खराब रहेगा, तो सौरभ बोलने लगे कि नहीं, क्योंकि आज वेदर ना काफ़ी विंडी है, धूप है बट वेदर विंडी है, तो वैसे भी हिल है तो अच्छा ही रहने वाला है। मम्मी पापा का पूछा था उनको चलने के लिए, एक्चुअली मम्मी की ना लवासा जब गए थे तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, हिली एरिया है ना, तो उनको पूरे रास्ते वॉमिटिंग वगैरह ये सब रहा, तो उन्होंने फिर आज अवॉइड किया जाना, तो इसलिए हम तीनों ही निकले हैं। और कल वाला और आज वाला व्लॉग मैं क्लब करने वाली हूँ। कल का तो आपने देख लिया होगा छोटा छोटा हम लोगों ने क्या किया। कल काफ़ी कुछ था एक्चुअली, हम लोग अनवित के शूज़ लिए और मास्क शॉपिंग किया, उनमें से एक मास्क ये भी है क्योंकि पुराना जो ब्लैक वाला मास्क है ना वो लगा लगा के बोर हो गई थी और अभी तो ये सब चलने ही वाला है, तो मास्क थोड़ा और मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, तो सबके लिए लिया। सॉक्स लिया, जो आपको मैं दिखाऊंगी बाद में। और बस ये अनवित का स्पेक्स बनवाना था। फिर रात में हम लोगों ने बाहर से खाना ऑर्डर किया। पहले हम लोगों का प्लान था कि बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे, तो फिर ये लगा कि चलो ठीक है घर में मंगा लेते हैं। और आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोगों ने ऐसे घर पे सब्ज़ी वगैरह मंगाया था तो अच्छा लगा। फिर आज ऐसे निकल गए अभी घूमने के लिए, तो रैंडम तो फुल जो क्रिसमस वेकेशंस है ना उनका मतलब मजा हो रहा है और ऐसे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। क्यों सौरभ? बिल्कुल। ओ ऐसे सौरभ की जो फुल, क्योंकि क्रिसमस वेकेशंस क्या रहती है ना, अभी पूरे साल कोई ऑफ तो लिया नहीं है, तो ये वाली सब वेकेशंस बेकार हो जाती क्योंकि कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होती ना, तो इसीलिए फुल जी ऐसे पहाड़ों के बीच में बसा है हमारा पुणे। और सिंहगढ़ फोर्ट जाने के लिए ना हमारे घर से नियर अबाउट 1.5 आवर लगता है और अभी हम लोग का जो जर्नी है वो 20 मिनट्स की और बची है, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि कितना टाइम लगता है। तो अभी अंदर तो कार के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा है, आई होप वहाँ पे भी वेदर अच्छा रहे, फिंगर क्रॉस्ड, नहीं तो ये है कि थोड़ा कुछ घूम घाम के आ जाएंगे। लेकिन ये है कि आउटिंग ही मतलब जो ड्राइव है ना वो ही काफ़ी मतलब अच्छी लगती है, एकदम पहाड़ों के बीच में है ना। ये देखो लवासा में गर्दी थी नहीं, गर्दी मतलब भीड़, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम लोग आउटर पे रुके हैं तो पार्किंग के स्पेस नहीं है ऊपर, तो इसलिए पता नहीं यहाँ पे कितना देर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। जब हम लोग एंटर किए ना, क्या चाहिए फोन ये लो, जब हम लोग एंटर किए ना यहाँ पे स्टार्टिंग एक पॉइंट था तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं सौरभ को बोली, मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग हों यहाँ पे और कोई दिख नहीं रहा। और यहाँ पे देखिए हम लोग, अभी दिखाती हूँ आपको फ्रंट, यहाँ पे कार पार्क है क्योंकि जब कोई कार ऊपर से निकलेंगी ना तभी यहाँ से कार पास होंगी। पता लगा जाम है 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का जाम। ऊपर पार्किंग है कि वो जाम है? वो पार्किंग नहीं है, जाम है। वो जाम है, बेसिकली बाहर पार्किंग कर रखी है। आज सारी दुनिया कोंडाना फोर्ट देखने आई है क्या? ऐसा भी क्या यार, इतने भी लोग नहीं चाहिए। मुझे लगे वापस ही लौटना पड़ेगा आज लोगों को, इतनी दूर आए भी, लेकिन कौन वेट करेगा यार इतने देर। ये देखो आप ये देख रहे होंगे ना, मैंने बहुत कैमरा जूम किया है, ये जो कार की लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाम लगा है। क्या हुआ सौरभ? खड़क वासला डैम चलते हैं। गया है खड़क वासला डैम, क्या बोल रहे हैं वो लोग? बहुत मुश्किल है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, मतलब यू टर्न भी नहीं ले सकते अगर आगे गए तो। एक बार गए तो फंस गए फिर। अच्छा एक बार गए तो फंस गए, यू टर्न कहाँ मारो, जगह ही नहीं आने के लिए।
यहाँ पे है कोंडाना फोर्ट, ये वाला, यहाँ पे जाने वाले थे हम लोग। और ये लगा हुआ है यहाँ पे पूरा का पूरा जाम। यहीं पे ही ना पिकनिक स्पॉट हो गया नीचे, क्योंकि काफ़ी लोग यहीं पे रुक गए हैं। और यहाँ पे कुछ टपरीज हैं जहाँ पे लोग अपना खाना पीना इंजॉय कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करते हैं और फिर निकलेंगे घर के लिए। कोंडाना फोर्ट, कोंडाना फोर्ट मैं जब आई हूँ तो आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। तानाजी जो मूवी है वो ये कोंडाना फोर्ट के ऊपर ही है, क्योंकि जो पूरा जो दुर्ग का डिस्कस किया है ना उस मूवी में, वो यही वाला फोर्ट है कोंडाना फोर्ट, जिसको सियंगढ़ फोर्ट भी बोलते हैं अब। पूरा पीछे ये वाला जो दुर्ग है, मुझे तो सच में बहुत मज़ा आता है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं ना तो आपको पता होगा कि मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस ना बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि मैं खो जाती हूँ। वही सोच रही हूँ कि यहाँ पे लोग ऊपर कैसे जाते होंगे और कैसे ये फोर्ट बना होगा, यहाँ पे जो लोग रहते होंगे मतलब क्या होगा, वो तो मैं वही सोचते रहती हूँ। ये लो जी, फाइनल पोपट करा के बुद्धू घर को आए। किस और कैसा रहा सिंगड़ फोर्ट? बहुत अच्छा। लेकिन ये है एक्चुअली, जो लोग आए जा रहे थे ना, उन लोगों ने नीचे ही पिकनिक स्पॉट बना लिया, और वो वहीं पे जो नीचे एक उनकी टपरी थी ना, वही काफ़ी रश था वहाँ पे, काफ़ी चल पड़ी, तो वहीं पे देख के अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने थोड़ा सीनिक व्यू इंजॉय किया थोड़ा बहुत, फिर हम लोग चले गए। हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी ऊपर जाके जो मज़ा था, जो पॉप मतलब अच्छा तो था ही ना। अब फोर्ट, फिर हम क्या फोर्ट क्यों गए थे, तुम आप कुछ भी बोल दो वही ना। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि वहाँ से खड़गवासला डैम है, वहाँ से पास है कि वहाँ जाते हैं। वहाँ पे गए तो अब डैम तो सूखा पड़ा है, वहाँ पे चक्कर काट के बेसिकली पोपट करा के बुद्धू घर को आए। चाय इंजॉय कर रहे हैं, चाय पियेंगे अभी और रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत थक गए यार गाड़ी में बैठे बैठे। और ऐसे कल का और आज का जो व्लॉग है ना, वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी। हमारे दो दिन ऐसे बीते, आप लोगों ने देख लिए होंगे कैसा रहा। और ये वाला जो कुर्ता है ना, वो बहुत सुंदर लग रहा था। ये मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने एजियो से लिया था, काफ़ी सुंदर लगा। अगर किसी को चाहिए तो आप लोग ले लीजिए, बहुत अच्छा ये कुर्ता लगा है पहन के। तो चलिए आज का जो व्लॉग है वो यहीं पर ही फिनिश करूँगी अपना पोपट वाला। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलेंगे जल्दी आप लोगों से, आपकी अपनी नेहा के साथ। और आप सब रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।